के कुछ बड़े घटनाक्रम को आप देख रहे हैं। गहलोत साहब ने देर रात मीटिंग की है कार्यकर्ताओं के साथ, वहां पर तो प्लान बी सी पर काम हो रहा है सर। संदीप जी, प्लान बी सी आप समझे रहिए, ये राजस्थान से हमारे स्क्रीन पर बड़ी खबर इस समय राजस्थान की चल रही है। सीधे एमएलए जो बने वो पीसीसी पहुंचे, मतलब एमएलए को पीसीसी पहुंचते ही लगता है कि रिजॉर्ट पहुंचा दिया जाएगा। इसका मतलब कि गहलोत साहब को पता चल चुका है कि बहुत नजदीकी मामला है। हालांकि हमारे हिसाब से, इस पे भी बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, वीके न्यूज के हिसाब से भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर मैंडेट लेने जा रही है। क्या होगा अब थोड़ी देर में पता चलेगा। संदीप जी, राजस्थान में वो बी और सी पे काम किए हैं, मान लीजिए बहुत नजदीकी मामला हुआ तो कोई बी सी डी आपने बनाया कि नहीं? देखिए, सहर्ष एक बात स्वीकार कर लेना पड़ेगा कि राजनीतिक दल इस तरह की भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि वो हार रहे हैं, और जब हार रहे हैं तो हार स्वीकार कोई नहीं करना चाहता है। राजनीतिक की परिपाटी है। संदीप जी, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कांग्रेस को हार स्वीकार कांग्रेस कर रही है, और इस तरह की जो भाषा का प्रयोग और इस तरह के कदम जो उठा रही है, हमें लग रहा है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप फिर अपने एक जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको बंधक बना लोगे, उनको कहीं रख लोगे और इस तरह की कार्य करोगे, तो ये एक अच्छा संदेश महाकाल पहुंचे प्रत्याशी, एक बड़ी खबर है। संदीप जी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास इनपुट्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। उज्जैन दक्षिण के प्रत्याशी ने दर्शन किया है महाकाल का, और महाकाल कल्याण करे यही मांगा होगा। चेतन यादव महाकाल पहुंचे, इस समय हमारी सहयोगी कनुप्रिया भस्म आरती में शामिल हुए। चेतन,